तथागत बुद्ध कहते हैं बिहार दान देना, बुद्ध बिहार दान देना यह महाकुशल है। क्या है? स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं च पुरुषो कैरा कैरातीतं पुनः पुनः तं विचन्दं कैरात सुखो पुण्यशौचयो सापापसकरणं कुशलसोपसंपदा सचित्तपरियोदपनं येतं भूतानशासनं। बोलिए साधो साधो साधो। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष ये मूर्ति स्थापना सोहला कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु धम्मशील थेरो, पूजनीय भिक्खु संघ प्रिय और सामने बुद्ध वंश धम्म वंश प्रमुख भिक्खु संघ और सारनाथ बुद्ध विहार में ये जामला तालुका गांव में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम अपने गांव में ये जो विहार सारनाथ बुद्ध विहार निर्माण करके रखे तो वो विहार पे आज के दिन खूब सुंदर बुद्ध मूर्ति पूरे गांव में परिक्रमा करते हुए अपने बिहार में स्थापना किया तो आज बहुत बड़ा पुण्य कार्य हो गया। तो इस पुण्य कार्य में प्रत्यक्ष सहभागी हुए आप लोग और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले सभी को बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हैं। बोलिए साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं च पुरुषो कैरा कैरा थे तं पुनः पुनः। इंसान को पुण्य करना चाहिए और वो पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए इंसान को। हमें इंसान आए कि नहीं, मानुष आए ना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिलाभो ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना खूब खूब दुर्लभ है, खूब खूब अमूल्य है। सारे प्राणी जगत में ये मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन है तो ऐसे जीवन मिला है तो पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म करना चाहिए, धम्म बोले तो ये शरीर से अच्छा करना चाहिए, वाणी से अच्छा बोलना चाहिए, मन से अच्छा सोचना चाहिए। और पुण्य एक बार किया ना बस हो गया ऐसा नहीं बैठना। अपने जामला के बुद्ध विहार में बुद्ध मूर्ति स्थापना करते समय हमने पुण्य किया न, दान दिया न, शील पालन किया न, कार्यक्रम में बैठा न, अब बस चलो
हो गया करके आराम से नहीं बैठना, ऐसे कार्यक्रम बार बार बारंबार करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं तम्मि छंदं कैरात, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, क्या आस रख सकते हैं? सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा पुण्य करने से। सुख पाइए कि नहीं, सुख चाहिए कि नहीं, जीवन में शांति चाहिए कि नहीं, ऐसे हाथ उठाइए, सुख शांति चाहिए कि नहीं? बस एक आध लोगों को ही चाहिए, बाकी तो ही करके हंसी रहे, सबको नहीं चाहिए। हाँ सर्वान पाइज नहीं का सुख शांति, हाथ वो रखा। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तो बगा सभी को चाहिए सुख शांति। अगर सुख शांति चाहिए तो बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए। हाँ जीवन में हर कोई सुख शांति के लिए काम करते, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं कि बाद में बड़े बन के सुख शांति मिलेगा। हाँ बड़े बड़े लोग यहाँ वहाँ काम करते हैं, घर के अंदर घर के बाहर खेत में ऑफिस में यहाँ वहाँ काम करते हैं, वो भी सुख शांति के लिए, पैसे कमाते हैं सुख शांति के लिए। मगर एक बच्चा पढ़ लिख के बड़े डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े अफसर होंगे, मगर सुख शांति होगा ही इसका कोई गारंटी नहीं है। एक इंसान खूब पैसा कमाएगा फिर भी सुख शांति मिलेगा ही इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मगर पुण्य करने से सुख शांति मिलता ही है, मिलना ही है। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के धम्म को देखने के बाद, अभ्यास करने के बाद जो सबसे अच्छा धम्म लगा, जो सबसे मानवतावादी वैज्ञानिक धम्म लगा, वो धम्म खुद दीक्षा लेके अपनों को भी वो धम्म की दीक्षा दिया, वही धम्म की बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। केवल बौद्ध होने मात्र से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, केवल बुद्ध मूर्ति स्थापना करने मात्र से बुद्धि बुद्ध प्रकट होके तथास्तु बोलेंगे ऐसा भी काही नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक बुद्ध को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान दे के सुनिए, बुद्ध वाणी है पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, पुण्य करने से ही जीवन में सुख मिलेगा शांति मिलेगा। जीवन में हर किसी को सुख शांति चाहिए, मगर मेरे जीवन में दुख नहीं है अशांति नहीं है ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। हर किसी के जीवन में दुख है, हर किसी के जीवन में अशांति है तकलीफ है। अगर जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखा तो बस पुण्य करते जाओ, तम करते जाओ, जीवन में आने वाले हर तकलीफ हर दुख हर अशांति से छुटकारा मिलेगा ही, ये बुद्ध का उपदेश है। इसलिए ये बातें हमेशा याद रखना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करना है ना तो मूलत तीन बातें याद करो, दानं ददन्तु सत्ताय श्रद्धा पूर्वक दान दो, शीलं रखन्तु सपदा शील सदाचार का पालन करो, भावना विरता वन्तु ध्यान भावना करो। उसमें से आज विशेषतः जांबला ये सारनाथ बुद्ध विहार में मूर्ति स्थापना किया और हटकर उपासक परिवार मिलके ये बुद्ध मूर्ति भी दान दिया, तो स्पेशली आज दान के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। दान देना पुण्य है, दान देना धम्म है, दान देने से
कितना कितना सुगति मिलता है, ये जीवन भी और आने वाले जीवन भी सुख शांतमय बना देता है दान देने से। बहुत सारे लोगों को लगता है दान देंगे तो अपना पैसा खत्म हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, हाँ अपने पास का सब खत्म हो जाएगा। हाँ ये मुंबई के एक उपासिका जो 80-85 उम्र की थी, वो उपासिका हमेशा बिहार जाती और अपने मेहनत के पैसे वो दान दे के आती, और उनके घर में गए और भोजन दान ये वो में गए तो उपासिका हमेशा सुनाती कि भांते जी बहुत लोगों को लगता है दान देने से मैं दूसरों का कल्याण कर रहा हूँ, दूसरों के लिए कर रहा हूँ, दूसरों का उपकार कर रहा हूँ। काहे का दूसरों का उपकार, दान देते ही पुण्य खुद को मिलेगा, किसका कल्याण हो गया? पुण्य जो सुख शांति का कारण है, पुण्य अभी भी बीच में भी अंत में भी हमें सुख शांति देगा, ऐसा पुण्य दान देते ही मिलता है। कल्याण किसका हुआ, किसका हुआ? खुद का ही कल्याण हो गया। और दान देने से मन के लोभ लालच को भी कम कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा मेरा मेरा मेरा, मुझे मुझे मुझे, अच्छा देखे अरे ये कितना अच्छा है, ये मला पाहिजे, हाँ ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, कितना लोभ लालच। और ये बढ़ते हुए लोभ लालच की वजह से दुनिया भर के पाप करते हैं लोग, दुनिया भर के अकुशल करते हैं। इसलिए ऐसे लोभ लालच को कम करने के लिए भी पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो दान करके दूसरों का नहीं खुद का ही हित कल्याण कर रहे हैं, हमेशा याद रखना। दान देना पुण्य है, कुशल कर्म है, मगर तथागत बुद्ध ऐसा भी उपदेश देते हैं कि एक बार दान दिया उसका पुण्य तो मिलता है, कुछ कुछ दान ऐसा भी है कि बार 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 उसका पुण्य मिलता रहता है, मिलता रहता है। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करेंगे और वो पैसा निकाल के खर्चा करेंगे तो खत्म हो जाएगा, मगर बैंक में 1,00,000 रुपया जमा किया, फिक्स डिपॉजिट डाला तो हर महीने 1,000 रुपया आएगा, और वो 1,000 रुपया ब्याज जो है जिंदगी भर खर्चा किया ना तो भी अपने जो 1,00,000 रुपया जैसा है वैसा ही रह जाता है। उसी तरह जो दान देते वो कुशल कर्म है, पर कुछ कुछ ऐसे दान भी है जिसे महाकुशल कहते हैं। अभी महाकुशल क्या है, दान देने के लिए पैसा ही लगता है, महाकुशल के लिए भी पैसा ही लगता है, पर महाकुशल क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं बिहार दान देना, बुद्ध बिहार दान देना यह महाकुशल है। क्या है? बुद्ध बिहार दान देना महाकुशल है, बुद्ध बिहार बनाने के लिए जमीन दान देना यह महाकुशल है, बुद्ध मूर्ति दान देना ये महाकुशल है, और सार्वजनिक शौचालय बना के दान देना ये महाकुशल है, अस्त परिष्कार ये जो चीवर का अस्त परिष्कार है वो दान देना महाकुशल है, कठिन चीवर दान देना महाकुशल है, ये संग दान देना महाकुशल है, ये तम दान देना महाकुशल है। तो इस तरह का अर्थ महाकुशल, 8 प्रकार के महाकुशल में एक महाकुशल ये मूर्ति दान देना भी है, बुद्ध मूर्ति दान देना। देखो बुद्ध मूर्ति बिहार को दान दिया, इसका पुण्य मिल गया। अब जो जो बिहार में जाएंगे, जो जो वो बुद्ध मूर्ति को वंदना करेंगे, कोई गुस्से से देख पाएंगे क्या भगवान बुद्ध को? मन में लोभ लालच रख के देख पाएंगे क्या भगवान बुद्ध को? जब जब भगवान बुद्ध को देखेंगे मन में प्रसन्नता आएगा, क्रोध गुस्सा कम होगा, लोभ लालच कम होगा, कितना कल्याण हो गया। इसलिए
जो जो बुद्ध को देख के मन में सुख शांति का महसूस करता है, पुण्य का अनुभव करता है, वो दान देने वाले को हमेशा वो पुण्य का हिस्सा मिलता रहेगा। इसलिए ये बुद्ध मूर्ति दान देना महाकुशल है। ऐसे महाकुशल दान देने वाले के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। और हम कामना करते हैं इस तरह का महाकुशल आप लोग भी कर सके। अगर क्षमता नहीं है तो क्षमता बनाइए, उसके लिए खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए। मगर इस तरह का ये जो महाकुशल हमें भी करना चाहिए, चाहे बिहार दान देना हो, चाहे बुद्ध बिहार के लिए जमीन दान देना हो, चाहे बुद्ध मूर्ति दान देना हो, चाहे संघ दान देना हो, चाहे औषध परिष्कार दान देना हो, चाहे कठिन शिविर दान देना हो, इस तरह का महाकुशल हमें भी करना चाहिए, करने के लिए कोशिश करना चाहिए। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कौशल देश के राजा प्रसेनजीत आके प्रश्न करते हैं, भगवान हमेशा आप दान देने का उपदेश देते हैं, दान कहाँ देना चाहिए, कुते दे। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, यत् चित्त प्रसीदति तत् दातव्यम्। जहाँ मन प्रसन्न होगा वहाँ दान दो, जहाँ दान देने से अच्छा लगता है वहाँ दान दो, कहीं भी दान दे सकते हैं। फिर तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, कहाँ दान देना है, जहाँ इच्छा हो वहाँ दान दे दो, मगर कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? जो अच्छे व्यक्ति हो, जो सीलवान हो, जो गुणवान हो, जो अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। जैसे ये दान का बीज है ना, हम अच्छे खेत में बोएंगे, अच्छे खेत पे डालेंगे तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा दान आएंगे। और वही अच्छे दान के बीज को जहाँ थोड़ा बहुत रेती है, कंकड़ है, ऐसे खेत में बोएंगे तो दान तो फलेगा मगर कम से कम फलेगा। और वही अच्छे धान के बीज को बहते हुए पानी में बोएंगे तो क्या होगा, वो धान के बीज भी बहा के लेके जाएगा। उसी तरह अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। और अच्छे नहीं है फिर भी ऐसे व्यक्तियों को दान देंगे, पुण्य तो मिलेगा पर कम मिलेगा। मगर बुरे व्यक्ति को कितना भी खर्चा करके दान देंगे, उसका पुण्य तो कहाँ कहाँ, कभी कभी पाप का भागीदार भी बनना पड़ता है। इसलिए दान अच्छी जगह पे दान देना चाहिए, तब उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है। उपासक उपासिकाएं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर धम्मदेशना समापन करता हूँ। जैसे अपने घर में कहीं से आग लग गए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो आग बुझाने के लिए खूब कोशिश करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, मगर वो आग हम बुझा ही नहीं पाए और बुझा ही नहीं सकता, वो आग खूब बढ़ गए, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, घर से जो जो मूल्यवान चीजें है वो जल्दी जल्दी घर के बाहर लेके आना चाहिए। जितना वो मूल्यवान सामान जलते हुए घर से बाहर लेके आएंगे उतना ही अपना होगा, बाकी सब के सब जल के राख हो जाएगा। उसी तरह उपासक उपासिकाएं, हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भाग रहे। कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म होगा पता ही नहीं। इसलिए
ऐसे जीवन में जितना पुण्य कर सके, जितना धर्म कर सके, उतना ही हमारे पीछे पीछे आएगा। बाकी सब के सब धन संपत्ति हो यही छोड़ के जाना है, परिवार हो सब के सब यही छोड़ के जाना है, अपने शरीर भी यही छोड़ के जाना है। इसलिए खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना ही जीवन में सुख शांति मिलेगा। तो उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः ये जामला गांव के सारनाथ बुद्ध विहार में बुद्ध मूर्ति स्थापना किया, जिस तरह बुद्ध मूर्ति स्थापना किए है उसी तरह तथागत बुद्ध के गुण धर्म को भी समझ सके, तथागत बुद्ध के अमृत धर्म को भी बोध कर सके और उसको व्यवहार में पालन करते हुए, व्यवहार में अभ्यास करते हुए ये जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए जीवन में खूब खूब सुख शांति का महसूस कर सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।